नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की व्यवस्थाओं को लेकर एडवाइजरी जारी की है। परेड की रिहर्सल आज सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और कर्तव्य पथ सी हेक्सागोन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गोलाकार प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी। परेड की रिहर्सल को देखते हुए आपको बता दें कि रविवार की शाम 6 बजे से आज ख़त्म होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी भी तरह के यातायात की अनुमति नहीं है। रविवार को ही रात 11 बजे से परेड समाप्त होने तक कर्तव्य पथ पर रफी मार्ग जनपद और मानसिंह रोड पर ही क्रॉस ट्रैफिक भी नहीं होगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि CXIGN इंडिया गेट मार्ग आज सुबह 9:15 मिनट से परेड के तिलक मार्ग पार करने का बंद रहेगा और तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग पर सुबह 10:30 बजे से दोनों ही दिशाओं में ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि परेड की गति के आधार पर क्रॉस ट्रैफिक की अनुमति दी जाएगी और यात्रियों को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक परेड रूट से बचने की सलाह दी जाएगी। ड्रेस रिहर्सल समारोह के ही दौरान सभी स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। हालांकि एडवाइजरी के मुताबिक केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशनों पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक चढ़ने और उतरने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि अभी तक उत्तरी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एडवाइजरी में लोगों से संभावित देरी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने को कहा गया है। दिल्ली में हत्या का एक खौफनाक मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी नाबालिग हैं। दिल्ली पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है और उनके पास से मृतक का कुछ सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना 21 जनवरी की दोपहर 2:23 की बताई जा रही है। पुलिस की मैदान गाड़ी PCR वैन के पास अचानक एक कॉल आया और कॉल करने ने बताया कि टेलीफोन मोहल्ला राधा कृष्ण मंदिर के पास एक शख्स की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और यहां पुलिस को एक 18 साल के युवक की लाश मिली थी और मृतक के शरीर पर चाकू के कई निशान भी पाए गए हैं। बता दें आपको कि चाकू से युवक पर हमला किया गया था जिसके निशान पाए गए हैं और उसके गले को बेदर्दी के साथ ही काटा गया था। पुलिस ने मृतक की पहचान करनी शुरू की तो उसकी दादी की शिनाख्त पर मृतक की पहचान हर्ष निवासी कालू राम चौक संजय काली भाटी माइंस के रूप में की गई है। पुलिस के एक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी सबूत जुटाए हैं और जांच शुरू कर दी है। मृतक का शव एम्स अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया गया है। तो आपको बता दें, दिल्ली से खबर है जहां पर दिन दहाड़े खौफनाक वारदातें सामने आ रही हैं। बताते चले आपको कि दिल्ली में हत्या का ये एक खौफनाक मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है इसमें कि वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी नाबालिग भी बताए जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है फिलहाल और उनके पास से मृतक का कुछ सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस मामले की आगे कार्रवाई में जुट गई है और पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 21 जनवरी की दोपहर 2:23 की बात है और पुलिस की मैदान गाड़ी से जो गाड़ी थी वो PCR वैन के पास अचानक एक कॉल आया था और बता दें आपको कॉल करने वाले ने ये भी जानकारी दी थी कि टेलीफोन मोहल्ला राधा कृष्ण मंदिर के पास एक शख्स की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। यहां पुलिस को एक 18 साल के युवक की लाश मिली। मृतक के शरीर पर चाकू से कई बार किए गए थे, उसके गले को बेदर्दी के साथ ही काटा गया था। पुलिस ने मृतक की पहचान करनी शुरू की तो
उसकी दादी ने इसकी शिनाख्त की है और मृतक की पहचान हर्ष निवासी कालूराम चौक संजय काली भाटी माइंस के रूप में की गई है। पुलिस की एक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी सबूत जुटाए हैं और जांच शुरू कर दी है। मृतक के शव को अस्पताल में एम्स में भेज दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 23 जनवरी से जयपुर दौरा उनके और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दो बड़ी खुशियों की गवाह बनेगा। 23 जनवरी की शाम प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद जेपी नड्डा अगले 3 दिन जयपुर में ही स्टे करेंगे और उनके बेटे हरीश की शादी जयपुर की ही रिद्धि से हो रही है, इसलिए 25 जनवरी तक नड्डा अपने बेटे हरीश की वेडिंग सेरेमनी के फंक्शन अटेंड करेंगे और 26 जनवरी को जयपुर से उनका परिवार बहुरिद्धि के साथ ही विदाई लेगा। 25 जनवरी को जेपी नड्डा के बेटे हरीश की शादी रॉयल अंदाज में जयपुर के राजमहल पैलेस होटल में होगी और इसलिए 23 जनवरी की शाम बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद नड्डा 3 दिन जयपुर में ही शादी समारोह में रस्मों को अटेंड कर पिता और समधी का फर्ज निभाएंगे। 23 से 25 जनवरी तक उनका जयपुर में ही ठहरने का प्रोग्राम है और 25 जनवरी को नड्डा के बेटे हरीश की शादी जयपुर की रिद्धि से है। बता दें आपको कि रिद्धि जयपुर के ही एक होटल ग्रुप से जुड़े नामी बिजनेसमैन रमाकांत शर्मा की बेटी और उमा शंकर शर्मा की पोती है और 24 और 25 जनवरी को शादी समारोह में ही अलग अलग रस्में होंगी और 25 जनवरी की शाम वेडिंग सेरेमनी है। शाम 7:45 बजे से बारात स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है जबकि रात 8 बजे से वेडिंग रिसेप्शन कार्यक्रम रहेगा और देर रात तक शादी का जश्न और डिनर पार्टी का प्रोग्राम रहेगा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के छोटे बेटे हरीश की शादी में कई राजनेता बिजनेसमैन और हस्तियां शिरकत करने जयपुर आएंगे। राजस्थान बीजेपी के ही सीनियर लीडर शादी में आएंगे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रभारी अरुण सिंह और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दिया कुमारी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेश राठौर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र सिंह यादव और अर्जुन राम मेघवाल और इसके साथ ही कैलाश चौधरी और केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य ओम प्रकाश माथुर, विधायक वासुदेव देवनानी, मदन देलावाल और इसके साथ ही अनीता भदेल के अलावा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सीपी जोशी और बालकनाथ सुमेधा नंद सरस्वती समेत कई सांसद नेता और राजनीतिक हस्तियां बिजनेसमैन शादी में शरीक होंगे। बता दें आपको कि इसमें खास बात यह है कि जेपी नड्डा के दोनों बेटों की शादी का नाता राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इससे पहले फरवरी 2020 में जेपी नड्डा के बड़े बेटे गिरीश नड्डा की शादी हनुमानगढ़ के रहने वाले कारोबारी अजय जियानी की बेटी प्राची से हो चुकी है और पुष्कर में गुलाब बाग पैलेस में हिमाचली और राजस्थानी रीति रिवाज से शादी हुई थी और इस शादी के बाद भी दिल्ली में अलग से रिसेप्शन भी रखा गया था और राजस्थान से विदाई के बाद हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ही पृथक निवास में वधू और गृह प्रवेश करवाया गया था जिसके बाद रिश्तेदार सगे संबंधियों और नेताओं के लिए खास धाम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि शादी के दौरान ही वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए जयपुर कमिश्नरेट और पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे और जयपुर में हो रही इस शादी में राजस्थान के हनुमानगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मुंबई से कई गेस्ट शादी अटेंड करने जयपुर आएंगे और वहीं जानकारी ये भी है कि शादी समारोह के बाद दिल्ली में भी एक कार्यक्रम अलग से आशीर्वाद समारोह का रखा जाएगा। रायबरेली जिला कारागार में बंद
बनती इसी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मामला जिला कारागार रायबरेली का है, जहां पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार इजाज उर्फ राहुल उर्फ जावेद निवासी शाहपुर थाना हथगांव जनपद फतेहपुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। उक्त आरोपी 4 अप्रैल पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था, जिसके पैर में गोली लगी थी और गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ में मौजूद KGMU ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां उसका एक पैर काटा गया था। और केजीएमयू सेल आज बता दें आपको, इसको लेकर ही 26 मई को उसे जिला कारागार रायबरेली में लाया गया था और कब से कारागार के अंदर मौजूद अस्पताल में आरोपी का इलाज भी चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मृतक एजाज के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत का मामला सामने आया है। मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद अब कैदी की मौत हो गई है, जिसके बाद कैदी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ललितपुर में चैन स्नैचिंग की घटनाएं होने लगी हैं। दरअसल 12 जनवरी को इलाइट चौराहे पर पल्सर बाइक से आए दो बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था और लगभग 60 साल के बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया था। लगभग 2.5 तोला सोना लूटा था और लुटेरे ने अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताकर 12 जनवरी की शाम लगभग 6 बजे घटना को अंजाम दिया था। तो ललितपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर लुटेरों का आतंक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि शहर में चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोग जो हैं वो डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि शहर में चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोग खौफ में भी नजर आ रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो ललितपुर से है। बता दें आपको कि ललितपुर से खबर है, जहां पर ललितपुर के ही नाराहट के ही ककरुआ और महरोली के कुआ घोषी निवासी दो आपराधिक प्रकृति के दबंगों का अवैध असलाह के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले में अवैध हथियारों का कारोबार खूब फल फूल रहा है। ग्राम ककरुआ का मानक अहरवार और ग्राम कुआ घोषी का दूसरा आरोपी बताए जा रहे हैं और नाराहट थाना अंतर्गत ग्राम ककरुआ के निवासी मानक तन्य भागीरथ अहिरवार का एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे उक्त व्यक्ति देशी कट्टा लिए प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं दूसरा आरोपी महरोनी थाना अंतर्गत कुआ घोषी का बताया जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो इन दोनों में से एक आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है, वहीं दूसरा आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से फरार बताया जा रहा है। झांसी से एक ऐसी अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई है, जो आपको हिला कर रख देगी। जी हाँ, कहानी झांसी की है, जब दो एक साथ रहने वाली लड़कियों को आपस में ही एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। इन दोनों में से एक लड़की को इतनी भावुक हो जाती है कि अपनी सहेली को ही अपनी जान से ज़्यादा चाहने लगती है। लेकिन आखिर दो लड़कियों का प्यार का अंजाम क्या हो सकता था? इस प्रेम कहानी में एक लड़की ने समझदारी दिखाते हुए कहा कि साथ रहने के लिए हम दोनों में एक पुरुष होना आवश्यक है। अगर तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए लड़का बनना पड़ेगा। पहली लड़की में प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने जेंडर चेंज कराने का मन बना लिया और फिर नए तकनीकी वाले युग में अपनी जान को जोखिम में डालकर वो अपना ऑपरेशन कराने अस्पताल पहुंच गई और इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें लड़की और दूसरी युवती के मामले को भी कोर्ट ने फिलहाल सुना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।